अब आपको करवाते हैं कोटली मंडी का विजिट। हमजा साहब, क्या हाल चाल है आपके? सेहत वेहत कैसी है? अल्लाह जी जबरदस्त। डंगर सारे माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे वाले डंगर हैं ना, दोनों अच्छे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई शादाब सिकंदर और आप देख रहे हैं शादाब व्लॉग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जनाब आज जो है ना चांद रात है, हम आए थे अभी हद वगैरह करवाया, मैं तो करवा चुका हूँ, हमजा भाई अभी हद करवा रहे हैं। अभी बहुत सा काम बाकी है। क्या काम बाकी है भाई? अभी मेरी कटिंग भी होगी, हाथ थोड़ा सा रहता है अभी, मुझे इसने थोड़ी काटनी है। ठीक हो गया, कल में इसने बड़ी डाली है। ठीक है, अभी जनाब हम हाथ वगैरह करवा के उसके बाद चलते हैं घर, खाना शाना खाते हैं, उसके बाद जनाब आज आपको विजिट करवाते हैं कोटली मंडी का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम जब पहले उधर से गुजरे हैं तब मैं वीडियो नहीं बना सका, उसकी वजह ये कि रश बहुत ज्यादा था। अभी हम चलते हैं, आज आपको कोटली मंडी का विजिट करवाते हैं। ये हमारे इरफान भाई हैं, हमारे बार-बार हमेशा की तरह। इरफान भाई, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका इसी ईद पे काम? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, निजाम चल रहा है। हाँ, गुड हो गया। तो जनाब अभी हम घर चलते हैं, खाना शाना खाते हैं, उसके बाद आज जो है ना आपको करवाते हैं कोटली मंडी का विजिट करवाते हैं इंशाल्लाह। आपको करवाते हैं कोटली मंडी का विजिट। हमजा साहब, क्या हाल चाल है आपके? सेहत वेहत कैसी है? जी ये हमजा बड़ा धोन है। आओ जी आपको चेक करवाते हैं जनाब। कमर साहब, क्या हाल चाल है? सेहत ठीक है माशाल्लाह जी। चेक करो ना इधर, सलाम कर रहे हैं ना जी माशाल्लाह जी। ये हमारे जनाब कमर साहब हैं, ये अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल अंकल जी? ठीक हो? से ठीक है, इधर भी बनाते हैं जी। ये जनाब सारे जो है ना माशाल्लाह जी, ये चेक करें जनाब माशाल्लाह जी जबरदस्त। माशाल्लाह मंडी में बहुत बेहतरीन किस्म के डंगर हैं, चेक करें। बेहतरीन किस्म के डंगर ये, वो कौन से हैं जी? ये फतेह जंगी ये फतेह जंगी डंगर हैं। ये हमारे पास ऑस्ट्रेलियन है, अच्छे वाले डंगर हैं माशाल्लाह। इधर मंडी में रश है जनाब, इधर अच्छा खासा जी। सर इधर आओ ना, आपको इधर सर हम मंडी का मजीद विजिट करते हैं। आओ जी हमजा साहब, हेलो भाईजान, आओ मजीद थोड़ा सा विजिट करते हैं इधर मंडी का। चलो आ जाओ। आओ जी कमर साहब, ड्यूटी ब्रो। सर जी डंगर सारे माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे वाले डंगर हैं ना, दोनों अच्छे हैं माशाल्लाह, प्योर फतेह जंगी डंगर हैं ये। आओ जी अगे मजीद चलिए। भाई साहब इधर एक बकरा है, वो चेक करते हैं। साइम भाई कह रहे हैं को बड़ा तगड़ा किस्म का बकरा है, क्या है बकरा ये? वो चेक करते हैं इधर। साइम साहब किधर है जी? पर वो जो बकरा था वो तो तक मेरे ख्याल से सेल हो चुका है। अभी ये किधर जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह जी जबरदस्त। साइम साहब, अहमदा साहब ठीक है? कितने पैसे हैं इसके? कितना सर जी? जिस हिसाब से है उस हिसाब से पैसे थोड़े, ऐसा ही है नहीं? ठीक हो गया। और चाचू जी से ठीक है माशाल्लाह जी, ये चेक करें। ये जनाब सुबह नाश्ते में ब्रेड खाता है और उसके के बाद दिन में पिज्जा खाता है माशाल्लाह। इधर जो है ना धड़ाधड़ जानवर बिक रहे हैं ढोल की थाप पे। अभी आगे मजीद चल के ना जो है ना आपको चेक करवाते हैं। क्या चीज़ जी? माशाल्लाह जी ये बकरा चेक कर जी। इधर आओ जी बकरा चेक करो। भाई साहब इधर जो है ना कोटली बड़ा रश है आवाम का, ये माशाल्लाह चेक करें, ये चेक करें माशाल्लाह। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अभी जनाब एक और बकरा चेक करवाते हैं आपको, पितल नस्ल का माशाल्लाह जी, ये चेक करें जी माशाल्लाह। इस तरह के बेशुमार और बकरे हैं जनाब मंडी में, वो भी आगे चल के आपको मजीद चेक करवाते हैं। क्या जी हमजा साहब? अभी जनाब चलते हैं हम अपने एक दो काम है वो कर लें, उसके बाद हम दोबारा मंडी का विजिट करेंगे। हमारे डंगर थक गए, ये डंगर है छोटा, ये सही वाली फतेह जंगी किधर गया है? अभी चलते हैं जनाब, काम शाम करते हैं अपने। किधर गया फतेह जंगी?
उसके बाद जनाब फिर मंडी में आएंगे इंशाल्लाह और चीजें दिखाएंगे आपको मजीद। वो आ रहा है हमारे पास एक ये नया नस्ल, वो एक और आ रहा है हमारे पास नया नस्ल का, वो ये फतेह जंगी नहीं है, ये कोई और है, ये छक्का है, ये आ रहा है जी, ये हमारे अस्सलाम वालेकुम। साहिद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। भाई साहब लोग जानते हैं आपको, मुझे तारफ कराने की जरूरत नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी चलते हैं जनाब, खाना शाना खाते हैं मजीद, उसके बाद आते हैं वापस फिर देखते हैं क्या मंगाते हैं। A few moments later. ये जनाब हमारे हमजा भाई हैं, इनके इस मर्तबा कपड़े नहीं सिलाए हुए आपके, क्यों? झंडी गिरवा दी शेख साहब, क्यों नहीं इसके कपड़े सिलाए आपने? ये इस बार ये जी हमारे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह कारीगर बने हुए। अमर साहब कैमरे की तरफ देखे हाथ लाए। अभी जो है भाई साहब इधर करते हैं एटीएम यूज, पैसे कैसे निकलवा ले, उसके बाद खाते हैं कुछ और, उसके बाद जनाब हमने जाना है घर सुबह 7 बजे, वो भी पढ़नी है, सोना भी है 2 घंटे, तो उसके बाद जनाब कल की रूटीन देखते हैं क्या है। और क्या कह रहे जी हमजा? हमजा कह रहा है कि हम इधर घोड़ सवारी करनी है बैल के ऊपर। ये भाई कह रहे हैं घोड़ सवारी, भी उनसे पूछ रहे हैं घोड़ सवारी कर रही है किस पे? बैलू पे। बैल की नहीं मुझे पता है, घोड़े की। दूसरी बात क्या पूछ रहा था जी, इसमें क्या पड़ी होती है उसको? नथेली होती है। ये भाई है जनाब, नाक में नकेल को कहते हैं नथेल। और यार ये जो बड़े बच्चे हैं ना, खैर अभी मैं मौत की झाड़ियों से भाई साहब लोग मौत के कुएं से बचते हैं। ये भाई किधर से बचे जी आप? अभी जो है भाई साहब चलते हैं हम घर, टाइम हो गया काफी, सुबह 7 बजे जो है ना ईद की नमाज भी पढ़नी है इंशाल्लाह, उसके बाद कितने बजे? 7:30 का सुना है मैंने, 7 बजे नमाज है, आपको पता ही नहीं है। तो भाई साहब आज के व्लॉग हम करते हैं एंड, कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ भाई जान, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।